सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर फिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज हम लोग जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मसल ब्लिस का फ्यूल वन स्पोर्ट्स प्रोटीन। ये प्रोडक्ट स्पेशली कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबके लिए तो ये प्रोटीन नहीं है, मैं आप लोगों को ये बोल दे रहा हूँ, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो ये वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। बट एक चीज मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि जब भी हम लोग प्रोटीन लेने के लिए जाते मेनली हम लोग फोकस करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन परसेंटेज वो वे प्रोटीन में हो। अभी बात आता है कि सपोज आपका जो प्रोटीन का जो स्कूप है वो है आपका 30 ग्राम्स, उनमें अगर 24-25 ग्राम प्रोटीन है तो मतलब बहुत बेहतरीन है। बट 30 ग्राम्स का स्कूप है और उनमें प्रोटीन है 11 ग्राम 12 ग्राम, तो उसका मतलब है उसमें वो प्रोटीन से ज्यादा एक मास गेनर या फिर कुछ अलग सेगमेंट में वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। बट आप लोगों को बोल दूं, ये प्रोडक्ट का एक लैब टेस्ट मैंने करवाया जो अमृतसर का एक लैब है, माइक्रो एनालिसिस लैब, वहां से मैंने करवाया और एनएबीएल सर्टिफाइड लैब है, उसका रिपोर्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। बट ये प्रोटीन को प्रोजेक्ट किट में मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रोजेक्ट किट में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है वो एथलीट के लिए जिनको ये प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली है। ठीक है, तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। सो डायरेक्टली मैं जाता हूँ ये बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स अगर देखो बेहतरीन एक बॉक्स है, क्वालिटी वाला एक बॉक्स है, और जो लेबलिंग जो है वो लेमिनेट किया गया है और मैट फिनिश के ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ पे 3D फील आपको मिलेगा। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा कि पैकेजिंग बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मैं ये वीडियो में मसल ब्लिस इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि अभी तक ये प्रोडक्ट में मसल ब्लिस का लोगो है और वो प्रोडक्ट को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत देर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली एक गेनर टाइप का है, और ये प्रोटीन का जो मेरे हिसाब से अगर ये प्रोटीन का नाम मैं रखना चाहता हूँ तो वो है आपका टेस्ट बूस्टर प्रोटीन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर प्रोटीन। क्यों? उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स पहले देखना पड़ेगा। तो इंग्रेडिएंट्स में कंपनी बोल रहा है कि स्कीम मिल्क पाउडर इसके अंदर यूज किया गया है, व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट इसके अंदर यूज किया गया है, कोकोआ पाउडर यूज किया गया है टेस्ट के लिए, KSM-66 अश्वगंधा यूज किया गया है, रूट एक्सट्रैक्ट रेड नाइट इसके अंदर यूज किया गया है, रूट एक्सट्रैक्ट स्टेबिलाईजर INS-415, अल्फा लिपोलिक एसिड इसके अंदर यूज किया गया है, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर इसके अंदर यूज किया गया है, और उसके साथ साथ कितना सारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाला गया है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और सारा जो इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली आपका जो स्टेमिना एनर्जी और आपका टेस्ट बूस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और मैं मैक्रोस को इंडिविजुअली देखूं तो एक बार मैक्रोस आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो एक स्कूप का जो नाप है वो है आपका 40 ग्राम्स, जहां पे आपका प्रोटीन जो मिलेगा 15 ग्राम्स आपका प्रोटीन मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो है 19 ग्राम्स, मतलब प्रोटीन से ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट है। और बेसिकली इस ये रीजन के लिए मैं इसको एक गेनर जो सेगमेंट है उसके अंदर रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इसके अंदर एडेड शुगर 0 है, बाकी यहाँ पे रिकवरी ब्लेंड जो है उसके अंदर एस्टाजेंथिन एक्सट्रैक्ट डाला गया है 2 ग्राम, अल्फा लिपोलिक एसिड 100 mg डाला गया है, स्ट्रेंथ ब्लेंड करके एक अलग सेगमेंट है जिसके अंदर आपका 500 mg डाला गया है, KSM-66 सफेद मूसली रूट एक्सट्रैक्ट और आपका जिनसर्क रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेमिना ब्लेंड में डाला गया है रेड नाइट रूट एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे ब्ला 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 इतना सारा चीज इसके अंदर डाला गया है। तो आप लोग देख पा रहे हो BCAA प्रोफाइल भी नीचे दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप लोग प्रोटीन ढूंढ रहे हो, अगर पकड़ लो कि मैं प्रोटीन ढूंढ रहा हूँ मार्केट में जाके, तो मैं कभी ये जो चीज है इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे हिसाब से मेरा जो गोल है उसके हिसाब से नहीं जा रहा है मेरा। अगर मुझे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही लेना है मैं अलग से लूंगा, अश्वगंधा लेना है तो अलग से लूंगा, तो प्रोटीन के अंदर मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। बट कंपनी का कुछ स्ट्रेटेजी है जिसके लिए ये बनाया, और जो जो एथलीट को ये रिक्वायरमेंट है वो ये तो ले ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको कोई ले ही नहीं सकता है, बट अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। ठीक है, बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा है तो मैं कभी ये नहीं लूंगा। बट लैब टेस्ट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए मैंने इसको खरीदा था। तो चलिए अभी एक बार इसका मिक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, फिर जाके मैं दिखाता हूँ इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट।
सो गाइस कंपनी यहाँ पे जो क्लेम किए थे वो था आपका पर 100 ग्राम में जो प्रोटीन था 38 ग्राम्स, और जब मैंने लैब टेस्ट रिपोर्ट किया वहां पे जो रिपोर्ट आया, चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। ठीक है, ये भी बहुत सस्ते प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोटीन निकाल के आते हैं। या इसमें लिख देते हैं CFL07। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑरेंज कलर का स्कूप है, ठीक है, MB का लिखा हुआ। ठीक है, 100 ग्राम यहाँ पे डाल दिया मैंने, और ये है आपका CFL07, वो है 36.8 ग्राम। तो इसके हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये पास करते हैं, और एक्यूरेट जो कंपनी का जो कंपनी जो क्लेम करे उसके हिसाब से यहाँ पे आया है। तो चलिए ये प्रोडक्ट को हम लोग पास मानते हैं, और आप लोग चाहे तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने रिव्यू कर दिया। बाकी जो भी आपका क्वेरीज है आप लोग कमेंट कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम कोरफिट लैब में।